नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया। इस आदेश के बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को जहां दमनकारी सत्ता के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया है, वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार से उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही डॉक्टर कफील खान को रिहा करेगी। कांग्रेस लंबे समय से डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर यूपी सरकार से मांग कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर कफील को कोर्ट से ही राहत मिली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील के ऊपर से रासुका हटाकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। आशा है कि यूपी सरकार उन्हें बिना किसी द्वेष के अविलंब रिहा करेगी। प्रियंका ने डॉक्टर कफील की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों और यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद भी दिया। समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर कफील की रिहाई का आदेश दमनकारी और अत्याचारी सत्ता के मुंह पर करारा तमाचा है। दम भी भूल जाते हैं कि न्यायालय इंसाफ के लिए खुले हैं। राजनीतिक लाभ और नफरत की राजनीति के तहत कार्रवाई करने वाले योगी आदित्यनाथ माफी मांगे। योगी सरकार के साझीदार रह चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी इसे लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार अपराध रोकने की बजाय पुलिस से धन उगाही करने में लगी है। सरकार ने सीएए के विरोध में डॉक्टर कफील के भाषण को भड़काऊ माना था। अदालत ने कहा कि डॉक्टर कफील का भाषण हिंसा या नफरत बढ़ाने वाला नहीं बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और नागरिकों के बीच एकता बढ़ाने वाला था। और तब से डॉक्टर कफील जेल के सलाखों में हैं और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को बड़ी राहत दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।